हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक वंस अगेन टू द विकास जुबियंस। और आज मैं राइड करने आया हुआ था बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे, तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाई थी, आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो ऊपर से जा रहा है ये है यमुना एक्सप्रेसवे, और यहाँ पर अथॉरिटी ने काफ़ी अच्छी तरीके से छोटे छोटे घोंसले के लिए जो है होल यहाँ पर बना रखे हैं। ये देखिएगा, गौरैया जो है वो इन घरों के अंदर है। ये जितने भी आपको होल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में कोई ना कोई गौरैया आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। और बहुत सारे यहाँ से वहाँ तक सारे होल हैं, और सारे घरों को जो स्पैरो है उसने यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रखा है। मैं कुछ आपको स्पैरोज यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, ये एक स्पैरो यहाँ पर बैठी हुई है। थोड़े से और आगे अगर आप मूव करोगे तो ये देखिए, एक स्पैरो यहाँ पर ये बैठी हुई है। ये देखिएगा, तो जितने भी ये यहाँ पर हाउसेस हैं, स्पैरो यहाँ पर आती है, आराम से इंजॉय करती है। तो नज़ारा बहुत अच्छा है। मेरे सामने एक स्पैरो ये है, तो ये जो कंसेप्ट था बहुत अच्छा है इनका। इको फ्रेंडली फ्लाईओवर यहाँ पर बना हुआ है, और अलग अलग तरीके के जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ऊपर स्पैरो, और ये देखिएगा कितने कितने पास से बिल्कुल आपको दिखाई देगा ये स्पैरो। दोस्तों, अगर हम और आप अपने घरों में इस तरीके से छोटे छोटे होल्स अगर आउटसाइड घर के बाहर देते हैं, तो एक ना एक दिन ज़रूर होगा जब गौरैया, जो घरेलू गौरैया है, हाउस स्पैरो है, वो आपके घर के आशियाने में ज़रूर अपना एक छोटा सा आशियाना अपना बनाएगी। इस फ्लाईओवर को देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि लगभग अगर हम हर एक जो अंडरपास की बात करेंगे वहाँ पर लगभग 400-500 के आसपास में ऐसे होल हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये तो मैं आपको केवल एक साइड का दिखा रहा हूँ, इसके अपोजिट साइड में भी होल्स हैं कई सारे, और ऐसे अंडरपास इस फ्लाईओवर के नीचे कई सारे बनाए गए हैं। क्योंकि ये जो है परी चौक से लेकर आपका मथुरा के लिए निकलता है, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा तक जाता है, और बहुत ही खूबसूरत लम्हा। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से इसी कंसेप्ट पर आप भी अपने घर में कुछ ऐसे आउटसाइडर होल ज़रूर छोड़ें, जिससे गौरैया जो है वो अपना आसियाना आपके यहाँ पर बनाए, और एक ना एक दिन ज़रूर आपको बहुत सारे स्पैरोज़, गौरैया देखने को मिलेंगी। और ये एक तरीके से जो बड़े पक्षी हैं उनसे भी ये घर सेफ़ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चोंच से नहीं जल्दी हमला कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे काफ़ी चालू होते हैं, वो अंदर तक ही रहना पसंद करते हैं, और जब उनकी मदर स्पैरो आती है तभी वो बाहर आते हैं और अपना जो भी दाना पानी होता है उसको कंज्यूम करते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।